राजस्थान के अंता में महात्मा गोपाल राम महाविद्यालय में भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय विभाग की इकाई नेहरू युवा केंद्र द्वारा युवा संवाद 2047 कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उप प्रधान रेणु गोचर रही। महाविद्यालय के निदेशक कमल शर्मा ने सरस्वती की पूजा अर्चना करके कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम प्रायोजक अमृता खंडेलवाल ने बताया कि युवा संवाद कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अमृतकाल के पंच प्रण पर आधारित है, जो विकसित भारत का लक्ष्य, गुलामी के हर सोच से मुक्ति, अपनी विरासत पर गर्व, एकता, एकजुटता एवं नागरिक कर्तव्य आदि विषयों पर आधारित है। कार्यक्रम में मेरी माटी मेरा देश के तहत भी कार्यक्रम किया गया, साथ ही जागरूकता रैली निकालकर मेरी माटी मेरे देश का संदेश दिया गया। इस अवसर पर जिला युवा अधिकारी कुमार मधुकर, जिला उपभोक्ता आयोग ललित वैष्णव, व्याख्यात सुरेश शर्मा, गोविंद गुर्जर सहित कई व्याख्याता मौजूद रहे। जब से जिला बना 1991 से तब से बारा जिले में संचालित है और इस संगठन के पूरे बारा जिले में जगह जगह नेहरू युवा मंडल के नाम से, नवयुवा मंडल के नाम से, विवेकानंद मंडल के नाम से, राजीव गांधी युवा मंडल के नाम से सैकड़ों युवा मंडल का रहते हैं, जिसमें आप जैसे युवा साथी अपने अपने कलाकारी का, कलाओं का, प्रतिभाओं का प्रदर्शन करते हैं और ये एक मंच प्रदान करता है उन युवाओं को जिनको एक मंच नहीं मिल पाता, आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल पाता, उन लोगों को मंच प्रदान करने का काम करता है नेहरू अटल संकल्प। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।